Good afternoon, students. Now the topic of today's discussion is the drug Punarnava. Now, starting with this, the synonym of this drug is Borrelia repens. Okay, Borrelia is the scientific name. जीनस का नाम है बोरहेविया, जिसके नाम से इसको बेसिकली जाना जाता है. पुनर्नवा का बेसिकली मीनिंग क्या है? न्यू करना, मतलब जो डेड सेल्स हैं उनको दोबारा से रीजनरेट करना, रीग्रो करना. ठीक है, स्टार्टिंग विद दिस, द वर्नैक्युलर नेम्स मीन्स बेसिकली क्या बोला जाता है इन्हें नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में. संस्कृत में इसे बोलते हैं रक्त पुनर्नवा, हिंदी बिस्खफरा, बंगाली पुनर्नवा, तमिल मुकराते, English spreading hogweed. ठीक है, biological source, the drug consists of herb of Borrelia diffusa. Means जो ये drug है वो consist करती है herb जो कि है Borrelia diffusa, is the scientific name of this particular drug. And this lin, after the scientific name genus Borrelia diffusa is the species. Lin is the name of scientist. It is a member of Nictaginaceae family. Geographical sources, the plant is a weed and found throughout India, especially in rainy season. Basically, ये rainy season में मिलता है. Morphology, you can see, this is the basic structure of herb of Punarnava, and this is leaf of Punarnava. Basic structure of leaf of Punarnava is like this. The plant is a perennial creeping herb. ठीक है, ये एक creeping herb है. ठीक है, जो creeping और climbing herb, मतलब जो चलती चली जाती है. स्टेम इसकी क्या है? ग्रीनिश पर्पल कलर की है. स्टिफ सिलेंड्रिकल थिक एट नोड एंड इज माइन्यूटली प्यूबिसेंट. प्यूबिसेंट मीन्स थोड़ा सा स्वेल्ड. ठीक है, आप देखेंगे यहाँ से नीचे से ये थोड़ा इसकी जो लीफ है और जो स्टेम है, स्टेम इसकी आपके प्यूबिसेंट से दिखाई देगी आपको. प्यूबिसेंट मीन्स थोड़ी सी फ्लैशी टाइप की. Large leaves are 2.5 to 3 centimeter long and small are 1 to 2 centimeter long. It is a ovate. Basically, the shape of leaf is ovate. It is also sometimes some leaves are also looks like oblong in shape and some are suborbicular in shape. Apex जो होता है वो slightly pointed है. जो apex है वो slightly pointed है और base इसका क्या है? Rounded है. And सब कोऑर्डिनेटेड विद एंटायर मार्जिन. इसमें एंटायर मार्जिन प्रेजेंट होती है नीचे से लेके ऊपर तक. द अपर सर्फेस ऑफ लीव्स आर ग्रीन. लीव्स का जो कलर है वो ग्रीन है. लोअर सर्फेस उनका कैसा होता है? वाइटिश. फ्लावर्स होते हैं इनके पिंक कलर के. फ्रूट्स इंडेहिसेंट, वन सीडेड नट प्रेजेंट होता है, 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. सीड्स आर ब्राउन इन कलर. रूट्स आर फ्यूजी फॉर्म, स्टाउट, वुडी, टेपरिंग एंड ट्यूबरस. टेपरिंग, यू नो, टेपरिंग दोनों साइड से पॉइंटेड एंड्स होते हैं. ट्यूबरस मीन्स ट्यूब काइंड ऑफ शेप. दे आर लाइट ब्राउनिश येलो और क्रीम इन कलर. द रूट कंटेन्स वेरी सॉफ्ट स्किन. ओल्ड रूट्स आर मार्क विद नॉटी स्कार्स. ठीक है, ओडर ओडरलेस होती है इसकी. ओडरलेस के साथ साथ टेस्ट इसका होता है एक्रेड एंड समवॉट ब्लैंड भी बोल सकते हैं. कई बार कड़वा भी लगता है, कई बार ब्लैंड टेस्ट भी आता है. नेक्स्ट इज द केमिकल कॉन्स्टेंट. इट कंटेन्स 0.04% अल्कलॉइड. इसमें अल्कलॉइड प्रेजेंट है. अल्कलॉइड प्रेजेंट है तो अल्कलॉइड में मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में, जो भी अल्कलॉइडल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसमें लास्ट में आई एन ई लगा होता है. ठीक है, लाइक द मेन केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ पुनर्नवा इज पुनर्नवीन. नाउ यू कैन सी पुनर्नवीन एंडिंग में जो आई एन ई लगा है, इट इंडिकेट्स, इट डिनोट्स द अल्कलॉइड प्रेजेंट इन इट. अजैंथीन डेरिवेटिव, बीटा साइटोस्टेरॉल, अर्सोलिक एसिड, मायरसिल अल्कोहल, मायरस्टिक एसिड आर द केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ दिस ड्रग. यूजेस क्या है? इट इज़ अ डायूरेटिक, एक्सपेक्टोरेंट और स्टमिक. इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस. जॉन्डिस में भी यूज़ होता है. नेफ्राइटिक सिंड्रोम, जो नर्व्स की डिजीज होती है. इडीमा, जो भी स्वेलिंग होती है उन सब में यूज़ होता है. अनीमिया, खून की कमी में यूज़ होती है. और सेवरल टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीजेज में भी यूज़ होता है. नाउ स्टार्टिंग विद एंटी डाइसेंट्रिक्स टॉपिक. ठीक है, एंटी डाइसेंट्रिक इज द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट. फर्स्ट इज डाइसेंट्री. डाइसेंट्री क्या होता है? उन्हीं को जो डाइसेंट्री है मीन्स जो लूज स्टूल्स हैं, लूज फॉर्म ऑफ स्टूल्स या लूज मोशंस यू कैन से इन नॉर्मल लैंग्वेज, तो उनके अगेंस्ट जो ड्रग्स काम होते हैं उन्हें बोलते हैं एंटी डाइसेंट्रिक्स. ठीक है, डाइसेंट्री इज एन इन्फेक्शन ऑफ द GIT ट्रैक्ट, मीन्स गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, विच कॉजेज सिवियर डायरिया, जिसमें कि हमारे को डायरिया हो जाता है विद ब्लड एंड म्यूकोसा. ठीक है,
द डाइसेंट्री इज बेसिकली कॉज्ड बाय द एंडोटॉक्सिन सिक्रीटेड बाय सर्टेन प्रोटोजोआ. जो डाइसेंट्री होती है वो बेसिकली एंडोटॉक्सिन्स की वजह से होती है, जो कि सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटोजोआस के बाद की वजह से होता है, जैसे कि उनके नाम हैं अमीबा, सिलिएट प्रोटोजोअन्स, स्काइटोसोमा, शिगेला एट्सेट्रा. ट्रीटमेंट ऑफ डाइसेंट्री डिपेंड्स अपॉन द कॉजिंग प्रोटोजोअन लाइक अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है, बैसिलरी डिसेंट्री. अमीबिक डिसेंट्री और बैसिलरी डिसेंट्री दो टाइप की डाइसेंट्री होती है. अमीबिक डिसेंट्री किस वजह से होती है, इट इज़ बेसिकली कॉज बाय द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका विच इज़ द टाइप ऑफ प्रोटोजोआ. इट मे कॉज अल्सरेशन इन द इंटेस्टाइन. ये क्या करता है, इंटेस्टाइन में हमारे छाले टाइप के कर देता है, अल्सरेशन इन द इंटेस्टाइन एंड एब्सेसेस इन द लीवर. लीवर में भी इफेक्ट डालता है, ठीक है, लंग्स में भी इफेक्ट डालता है, ब्रेन पे भी डालता है. सिम्टम ऑफ दिस इन्फेक्शन इंक्लूड्स डायरिया, इनडाइजेशन, लॉस ऑफ वेट एंड अनीमिया. इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है. नेक्स्ट टाइप ऑफ डाइसेंट्री इज बैसिलरी डाइसेंट्री. दिस इज बेसिकली कॉज बाय द बैक्टीरिया ऑफ जीनस उस. अब जैसे आपने देखा अमीबिक डिसेंट्री किसकी वजह से होती है, प्रोटोजोआ की वजह से, और बैसिलरी डाइसेंट्री किस वजह से होती है, ड्यू टू द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया कौन सा, जिसका जीनस है शिगेला. दिस इन्फेक्शन मे बी स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट और बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. बेसिकली अगर हम कभी भी कंज्यूम कर लेते हैं कंटेमिनेटेड या गंदा फूड या वाटर, तो इसके जो सिम्टम्स है, जैसे कि आप बोलते हैं ना फूड पॉइजनिंग, वो इस वाले बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है. द सिम्टम इंक्लूड्स डायरिया, नोजिया, फीवर एंड क्रैम्प्स, ठीक है. देर आर सर्टेन प्लांट्स यूज इन हर्बल फॉर्मुलेशन एज एंटी डाइसेंट्रिक्स लाइक इपिकैक्वेन्हा, कुर्ची एट्सेट्रा. यू कैन अंडरस्टैंड दिस टर्म लाइक इपिकैक्वेन्हा. इट इज़ बेसिकली नोन एज इपिकैक. इपिकैक क्या है, और एक कुर्ची है. ये हमारी मोस्ट कॉमन हर्बल एंटी डाइसेंट्रिक ड्रग्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत पहले से यूज़ करते जा रहे हैं हम. इपिकैक क्या है, कई बार जब हमारा किसी चीज़ की टॉक्सिसिटी हो जाती है बॉडी में, या फिर अगर हमने पॉइजन कंजम्पशन कर लिया होता है, तो उसके लिए हमारा ये क्या करता है, हमारे एक पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म में हम इसको कंज्यूम करते हैं, और इससे हमारे को वॉमिटिंग्स लगती हैं, ठीक है, जिससे कि जो भी हमारे अंदर वायरस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ या कुछ भी एंटर करा है, वो सब बाहर आ जाता है. और अगर आपका पॉइजन कंजम्पशन भी होता है, तो कुछ अमाउंट तक वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी में से, ठीक है. ऐसे ही काम आपका सेम कुर्ची बाग का भी होता है, ठीक है. तो बेसिकली एंटी डाइसेंट्रिक ड्रग का नाम अगर कभी पूछा जाता है, तो वो होती हैं कुर्ची बाग एंड इपिकैक. इपिकैक को बोलते हैं इपिकैकोएना. ओके, नाउ स्टार्टिंग विद दिस ड्रग इपिकैक. इपिकैक यू कैन सी, इपिकैक क्या है, सिनोनिम है इसका इपिकैकोएन्हा. बायोलॉजिकल सोर्सेज, इट कंसिस्ट बेसिकली ड्राइड रूट्स और राइजोम्स को कंसिस्ट करता है ऑफ सिफेलिस इपिकैकोएन्हा, जिसकी फैमिली है रूबिएसी. इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सिफेलिस एक्यूमिनेटा, ठीक है. दो आपकी इसकी स्पीशीज़ हैं, एक होती है इपिकैकोएन्हा जो कि कॉमनली यूज़ होती है एज एंटी डाइसेंट्रिक ड्रग, और दूसरी है सिफेलिस एक्यूमिनेटा. नाउ द ज्योग्राफिकल सोर्सेज, इट इज़ कॉल्ड एज रायो और ब्राज़ीलियन इपिकैक, विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ब्राज़ील, इंडिया, म्यांमार एंड मलेशिया, ठीक है. बेसिकली ये ब्राज़ील में, इंडिया में, म्यांमार में और मलेशिया में पाया जाता है. कौन सी वैरायटी, हमारी सिफेलिस इपिकैकोएन्हा. और सिफेलिस एक्यूमिनेटा इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम कोलंबिया एंड इंडिया एंड ऑल्सो नोन एज पनामा और कार्टेजिना इपिकैक, ठीक है. नाउ द कल्टिवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन. कॉमर्शियली कल्टिवेशन ऑफ रायो इपिकैक इन इंडिया इज डन इन लार्ज एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल. बेसिकली वेस्ट बंगाल के लार्ज एरियाज में इसको कल्टिवेट करते हैं. द ड्रग फ्रॉम वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो नोन एज जहोर इपिकैक. Better results have been obtained by cultivating ipecac at the lower foothills of eastern Himalayas. ठीक है. The propagation is basically done by the sowing of seeds in mid-January to mid-Feb. Germination is improved by treatment of seeds with lime water or H2O2. जो हमारे को germination of seeds को बहुत healthily grow करना है, तो हम उसमें lime water और H2O2 के साथ treat कर देते हैं अपने seeds को. 2 months old seedlings are transplanted at a spacing of 10 into 10 cm. Temperature range is around 23 to 38 degree centigrade is required. Rainfall required is about 300 centimeters. Humid atmosphere helps in growth of plant.
नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ इमेटिन. इमेटिन क्या है? ये आपकी जो इपिकैक है ये अल्कलॉइडल ड्रग है जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इज इमेटिन, क्योंकि इसमें लास्ट में आई एन ई लगा है, तो ये इसका कॉन्स्टेंट है. उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को भी ऐड करते हैं. परसेंटेज ऑफ अल्कलॉइड इज मैक्सिमम इन थर्ड ईयर ऑफ हार्वेस्टिंग. जब हार्वेस्टिंग का थर्ड ईयर होता है तब हमारा इमेटिन का जो कंटेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. हार्वेस्टिंग ऑफ रूट्स इज डन आफ्टर 3 years ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ. जब 3 years ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाता है उसके बाद हम इसको हार्वेस्ट करते हैं. नेक्स्ट इज मैक्रोस्कोपी. अब मैक्रोस्कोपी में देखेंगे आप दो तरीके से डिवाइड करिए हमने मैक्रोस्कोपी. फर्स्ट इज ब्राजीलियन इपिकैक एंड सेकेंड इज पनामा इपिकैक. ठीक है, ब्राजीलियन इपिकैक उसमें आपके क्या हैं, आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, रूट्स देखेंगे एंड राइजोम्स, इनके बीच में डिफरेंसेस देखेंगे. तो आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स में कलर देखेंगे पहले. जो ब्राजीलियन इपिकैक है उसकी रूट का कलर है डार्क ब्रिक रेड टू डार्क ब्राउन एंड राइजोम का है ब्रिक रेड टू डार्क ब्राउन. ओडर फेंट ऑफ बोथ, टेस्ट बिटर ऑफ बोथ, साइज 150 millimeter लेंथ एंड 6 millimeter इन थिकनेस ऑफ रूट्स एंड राइजोम्स में 2 millimeter इन डायमीटर एंड शॉर्ट अटैच टू रूट्स. शेप ऑफ रूट्स ऑफ ब्राजीलियन इपिकैक इज टॉर्चुअस स्पीशीज विच इज फुल ऑफ ट्विस्ट एंड बेंड्स एंड द शेप ऑफ राइजोम्स आर सिलेंड्रिकल. एक्स्ट्रा फीचर्स लाइक क्लोजली एन्यूलेटेड एक्सटर्नली रिजेस आर राउंडेड एंड कम्प्लीटली एनरिचिंग रूट्स. पिथ इसमें एबसेंट होती है, उसमें प्रोमिनेंट पिथ प्रेजेंट होती है विद लॉन्गिट्यूडनल रिंकल्स. नेक्स्ट इज पनामा इपिकैक. द इपिकैक पनामा, द कलर ऑफ दिस काइंड ऑफ स्पीशीज इज ग्रेश ब्राउन टू रेडिश ब्राउन. ओडर एंड टेस्ट इज फेंट ओडर एंड बिटर टेस्ट. साइज इज लार्ज साइज अप टू 9 millimeter इन थिकनेस. शेप इज सिलेंड्रिकल. एक्स्ट्रा फीचर्स इज लाइक कैरेक्टराइज बाई एब्सेंस ऑफ एन्यूलेशन एंड प्रेजेंस ऑफ ट्रांसवर्स रिजेस. इसमें आपके धारियाँ प्रेजेंट होती हैं. रिजेस बेसिकली क्या हैं, धारियाँ. ठीक है, वो प्रेजेंट होती हैं ट्रांसवर्सली. ठीक है, नॉट लैंगिट्यूडिनली, ट्रांसवर्सली मीन्स सर्कल में एट एन इंटरवल ऑफ 1 to 3 millimeters. दे पार्शियली एनसर्कल द रूट्स. ठीक है, एक्स्ट्रा फीचर्स इज लाइक कैरेक्टराइज बाय एब्सेंस ऑफ एन्यूलेशन एंड प्रेजेंस ऑफ ट्रांसवर्स रिजेस. माइक्रोस्कोपी. माइक्रोस्कोपी इज नॉट एज सच रिक्वायर्ड इन द डी फार्मेसी सिलेबस, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द रूट्स एंड राइजोम्स डिफरेंस अबाउट द माइक्रोस्कोपी. रूट्स में आपकी कॉक लेयर विद ब्राउन कंटेंट्स विच इज फॉलोड बाय फेलोडर्म कंपोज ऑफ थिन वॉल्ड पेरेंकाइमा. इसमें आपकी कॉर्क की लेयर होती है जिसमें ब्राउन कंटेंट प्रेजेंट होते हैं फेलोडर्म में और थिन वॉल पेरेंकाइमा प्रेजेंट होती है. स्टार्च ग्रेन और एसिक्यूलर क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट के. जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, इसमें ट्रैकेट्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सेकेंडरी मेडुलरी रेज विद स्टार्च ग्रेन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट विच इज ऑफ अराउंड 15 microns. नाउ द राइजोम्स. पेरीसाइकल इज बेसिकली थिक वॉल्ड स्क्लेरिड्स प्रोटोजाइलम एंड स्पायरल वेसल्स. स्टार्च ग्रेन्स लार्ज होते हैं साइज में और अप टू 22 microns होते हैं इन कंपेरेटिव टू रूट्स. रूट्स में 15 है, इसमें 22 है. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अलाइक, इट कंटेन्स आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स. अब अल्कलॉइड्स की भी कैटेगरी होती हैं. एक कैटेगरी है आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड की जो इसमें प्रेजेंट होता है विच बिलोंग्स टू फिनोलिक एंड नॉन फिनोलिक ग्रुप्स. मेन अल्कलॉइड्स हैं इसके इमेटिन, सिफेलिन, साइकोट्रिन एंड इमेटामिन. ठीक है, केमिकल टेस्ट. पाउडर ड्रग को जब हम HCl और वाटर के साथ शेक और फिल्टर करेंगे तो फिल्ट्रेट में हम ऐड करेंगे KCl4, पोटेशियम क्लोरेट. फर्स्ट येलो कलर ऑब्जर्व होगा विच फर्दर चेंजेस टू रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इमेटिन. एडिशन ऑफ H2SO4 एंड सोडियम मोलिब्डेट. सोडियम मोलिब्डेट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रॉड्स रिएजेंट. टू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इमेटिन गिव्स ब्राइट ग्रीन कलर. यूजेस आर, इट इज़ अ पोटेंट एक्सपेक्टोरेंट. ठीक है, कफ को रिलीव करता है. एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है. इन ट्रीटमेंट ऑफ अमीबिक डिसेंट्री. एंटी ट्यूमर ड्रग भी है समवॉट. सब्स्टिट्यूट्स हैं इसके लाइक एलेंगे, हिलिया, बुरेरिया, रेमेजिया. ठीक है, दीज आर पोटेंट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ दिस ड्रग इपिकैक. थैंक यू. इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन गूगल क्लासरूम एंड इन द कमेंट सेक्शन बिलो.